It's my God. Okay, guys. मैं उस तरह के प्लेयर मेरा जीजा मैंने को जाने दिया इसलिए मैं नहीं जाएगा मैं गया क्योंकि मेरे को जाने का दिल था समझा क्या समझा उसका नाम सुन के फ्लावर समझा क्या फ्लावर नहीं फायर मैन अब मैं इसके दूसरे पैटर्न को दिखाने की कोशिश करूंगा बता ना मेरे को देखी क्या बोल ना मेरे को देखी क्या नहीं देखी हाँ मुझे बात ही हंसी आती है मुझे किस बात की नफरत हो रही है मेरे को सब समझ में आता मैं उसने पॉलिटिकल नहीं दिया था इतनी बुरी खबर को कितने चटकारे लेकर सुना रहा है चल मेरे माँ मैंने माना उसने मेरे को पॉलिटिकल नहीं दिया अगर तू बोल देता कह देता किसी को पलट कर देगा तो तेरा क्या जा मेरे को डबल की खुशी मिलती ना ये आइडिया तेरे दिमाग में क्यों आएगा मेरा घर फंस जाता तू मामा बन सकता था Now I will invite. It's done. So I will invite Sughra Khan from Sayed and House. जी मैम. सर एक मिनट वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है बस एक मिनट रुकिए सर Should I wait or should I invite the next one? मैम एक मिनट वो शायद नेटवर्क इशू है मैम वो ऑन नहीं हो रहा है कैमरा एक मिनट रुकिए मैम प्लीज इनवाइट द नेक्स्ट वन ओके तो हम तब तक जाकिर हाउस से मैं तहमियत को बुलाना चाहूंगी तहमियत आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है तहमियत वीडियो अभी दिखाई नहीं दी तहनियत अब दिखाई देने लगी तहनियत दिखाई दे रही है कंटिन्यू करें हम हाँ वीडियो गायब हो गई फिर से अब दिखाई दे रही है कंटिन्यू करो तहनियत जल्दी आवाज आ रही है आपकी बोल दिया ना वीडियो भी दिखाई दे रहा है कंटिन्यू करें आप नमस्कार बाकी लोगों को जो लोग बाहर डीजे लगवाया था इसके पापा ने सीढ़ी का डीजे था हमारे कमरों की जो जगह है ना वहाँ पे हारी भाई इनको अनम्यूट कर दीजिएगा जो ये बोल रहे हैं मैं स्टार्ट कर दूं सर हाँ स्टार्ट करें कहा तो है आपको करिएगा स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम नमस्कार गुड आफ्टरनून टू जैसे आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए जमा हुए
आज मैं आप सबके सामने जोधा बाई का रोल प्ले करने जा रही हूँ। तो चलिए आज मैं आप सबको जोधा बाई के इतिहास से ही रूबरू कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं जोधा बाई के इतिहास में। जोधा बाई एक राजपूतानी कन्या थी जिन्हें हरका बाई और हीर कुंवर जैसे कई नामों के साथ जाना जाता था। गर्जन 1 अक्टूबर में हुआ। बचपन में ही हीर कुमारी के नाम से ही जाना जाता था। पिता का नाम थार्मल था और ये मुगल शासक मद अकबर की बेगम थी। जोधा बाई एक राजपूत थी लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक मुगल शासक थे। इन दोनों का विवाह कोई प्रेम संबंध विवाह नहीं था बल्कि एक राजनीतिक विवाह था। इन दोनों का विवाह एक राजनीतिक संपर्क था। जोधा बाई के माता और पिता का नाम, जोधा बाई के पिता का नाम राजा थार्मल था और माता का नाम मानवती साहिबा था। जोधा बाई की संतान का नाम जहांगीर था। थैंक यू सो मच आप सबका सुनने के लिए। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जोधा बाई के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू। राजपूत हाउस से थी जी, कहिए। जाकिर हाउस से थी, गांधी। अब मैं गांधी हाउस से विनी विल्सन को दोबारा दावत देना चाहूंगी। सर ये जाकिर हाउस से जोधा बाई का रोल अदा कर रही हूँ। ठीक ठीक ठीक। इज इट विजिबल? नहीं दिख रहे हैं आरिफ सर। एक मैं इनको स्टेज पे फिक्स कर दे रहा हूं। वेट, एक गिव मी, विजिबल नहीं है अभी आप। गिव मी वन मिनट। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, लेकिन आपका जो वीडियो है आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। अब आ रही होगी ना? अब आ रही है। हां, अब मैंने इनको फिक्स कर दिया। अब आ रही है। जजेस से पूछ लीजिए प्लीज। आरिफ सर जजेस से पूछ लीजिए। सर अब वीडियो विजिबल है? आरिफ सर और दानिश कंफर्म कर दो। इनविजिबल है? नो नो नो, नॉट विजिबल। इन द मीन टाइम ये बताइए, दो पार्टिसिपेंट्स बचे हैं ना मेरे, एक गांधी हाउस बचा है और एक एक सोरा बची है सईदैन हाउस से। दो पार्टिसिपेंट बचे हैं सईदैन हाउस। जी जी, सैयदैन हाउस से सुब्रा और गांधी से विनी। तो मैं सैयदैन से इनवाइट करूं फिर तब तक सुब्रा को? सुब्रा प्लीज ओवर टू यू। सुब्रा खान फ्रॉम सैयदैन हाउस। जी मैम। मैम पता नहीं कैमरा ऑन नहीं हो रहा। मैम बस 2 मिनट दे दिए मुझे, बस मैम 2 मिनट। नैना विनी को बुला लो जब तक आप। विनी फ्रॉम गांधी हाउस। विनी को मैंने स्टेज पे अभी कैमरा विजिबल है। वीडियो विजिबल है प्लीज एक बार कंफर्म करें। मेरे एंड से विजिबल है और मैंने स्टेज भी कर रखा है, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो विजिबल है? सर इज इट विजिबल और ऑडिबल? यस, फ्रॉम माय एंड बोथ विजिबल एज वेल एज ऑडिबल। आरिफ सर कैन यू कंफर्म? आरिफ सर आपको दिख रही है? सर बहुत सारे लोग भी नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने स्टेज एक्चुअली उनको फिक्स कर रखा है इस वजह से कि डिस्टरबेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। हां तो नहीं, मुझे आपके अलावा और कोई नहीं दिख रहा जी। मेरी आवाज पहले आई थी ना, तो इस वजह से वो। अभी विनी आप बोले, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूं, तो अब वो दिखेंगे। ओनली यू आर विजिबल टू मी, अदरवाइज नो वन एल्स इज विजिबल। कोई नहीं और विजिबल है, सिर्फ आप दिख रहे हैं। Can we start, sir? Yes, Arif sir. Okay, sir. Good afternoon. मेरा नाम विनी है। मैं बीएड की छात्रा हूँ। मैं गांधी हाउस की तरफ से झांसी की रानी का किरदार निभा रही हूँ। नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है? अंसार सर, आई थिंक ये दोनों परफॉर्मेंस को अभी रोक दीजिए, क्योंकि ये दोनों परफॉर्मेंस नहीं दिख पा रही हैं हमारे जजेस को। ओके मैम, तो हम क्या है, थर्ड थीम की तरफ चलते हैं अगर आप अलाउ करें। हाँ, फिर इन दोनों को बाद में ले लेंगे हम दोनों को। ओके नायला और सोकिन,
मूव टू द थर्ड थीम, जो हमारी तीसरी थीम है ना हमारे इसकी, उस पे आप मूव करें। तीसरी थीम के लिए मैं फरीन को दावत दूंगी कि वो पार्टिसिपेंट्स को बुला। थैंक यू सो मच नायला। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स टू प्रेजेंट देयर परफॉर्मेंसेस ऑन आवर लास्ट थीम दैट इज स्टेट लाइफ। That I would like to invite Akansha Pandey from Ajmal House. Akansha Pandey. Yes, wait a second. Am I visible? Yes, you are visible. Arif sir, Danish sir, आपको दिख रही है? Yes, ma'am. Oh, thank you. Okay. एक सेकंड के लिए यहाँ पर अब नहीं दिख रहा है। मैं करूँ अब सर, लोग नहीं दिख रहे, सारे वीडियो ऑफ हो गए, तो ओवरलोड हो गया ये सिस्टम मीटिंग। आकांक्षा प्लीज होल्ड ऑन बेटी। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद सर, सब लोगों को कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा है। इन्होंने आरिफ सर ने, क्योंकि ये लोग नहीं नजर आ रहे हैं तो स्टेज कर दिया है। नहीं, अभी स्टेज मैंने हटा दिया, सिर्फ वही नजर आएगा जो नहीं स्टेज कैमरा इज ओवर हीटिंग, कैन नॉट ओपन द कैमरा। जैसे ही कोई दूसरा बोलता है वो बीच में आ जाता है ना, तो अगर हम खामोश रहकर दो चार सेकंड कर लेंगे तो नजर आ जाएगा। आकांक्षा आप बोले एक बार। आकांक्षा पांडे। यस सर, एम आई ऑडिबल? सर मैं करूं अब? सर मेरी वीडियो दिख रही है? आकांक्षा की वीडियो दिख रही है, आपकी आवाज भी आ रही है, और जजेस एक बार कंफर्म कर दें बस। अब अभी दिखना शुरू हुई है। जी जी सर। ओके सर, आई एम स्टार्टिंग। यस, यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित वेट अ सेकंड, ओके, ये मेरा आउटफिट है, ये उत्तराखंड का आउटफिट है, मैं आज उत्तराखंड स्टेट को प्रेजेंट करने जा रही हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों, वो मेरे प्यारे साथियों को मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। मैं आकांक्षा पांडे आज आप सभी के सामने उत्तराखंड, जो कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, की एक छटा पेश करना चाहती हूँ। उत्तराखंड अपनी सुंदरता के चलते दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के बाद इसका गठन हुआ था। यूं तो इस पवित्र भूमि के बारे में इतने कम समय में कुछ भी कह पाना असंभव प्रतीत होता है, परंतु मैं इसे एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूं, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा उत्तराखंड देवों की धरती है, जो भारत माँ का आंचल है, जहाँ पर बसते बद्री नारायण, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि यही स्थित कुर्मांचल है, जहाँ पर बसती महाट कालिका, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। जहाँ पर बहती पावन गंगा जनमानस की पास बुझाती है, जहाँ पर खड़ा हिमालय सुंदर उत्तराखंड का ताज है, ऐसे भारत माँ के आंचल में बसा मेरा उत्तराखंड है। कौल पद्म की छटा अनोखी, कस्तूरी मृग यहाँ का विख्यात है, बुरांस की लाली ससुंदर, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। नैना देवी की नगरी नैनीताल, सरोवर नगरी की छटा अनोखी है, जहाँ पर हो फूलों की घाटी, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। किलपोड़ा झूला भीमर धुनैर यहाँ के उत्पाद हैं, हर्बल स्टेट बनने को तत्पर, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। एपण ज्योति मातृका लक्ष्मी पौ सैली जहाँ घरों की शान है, मकर संक्रांति में जहाँ बनती हो गुगुतिया, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। झुमेलो छोपती लामण खेती से महकता जहाँ का आंचल है, तांदी चौफला झोड़ा छुपवती में तिरकते जहाँ के ताल हैं, हुड़के की थाप पर जहाँ होती हो खेती, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। वीरों की धरती है, जो कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट जिसका मान है, गौरा देवी है जहाँ की बेटी, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। टिहरी बांध है जहाँ का गौरव, मंडुआ झूगर जहाँ की देन है, धरती का स्वर्ग बनने जा रहा मेरा उत्तराखंड महान है। थैंक यू सो मच एवरीवन। So much, Akansha. It was really amazing performance. Now we have our next participant, that is Aliza Parvin from Ansari House. Aliza? Yes, yes.
Am I audible and visible? Yes. Yes, Aliza. Oh, kimsa oni de salamu koi de hake tirai kol moina sano oi de hake tirai kol moina sano oi peto loi bat nu juai peto loi bat nu juai oh kinu hani tire moni la oi nu puja kata hol moina jano nu puja kata hol moina jano oi jen bukut mare theki de jen bukut mare theki de sab namaskar and a very good afternoon for everyone main Aliza Parveel अपने स्टेट असम को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ विद वेरियस ऑफ फूड्स एंड बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और यहाँ की जो लाइफस्टाइल होती है सब मैं दिखाऊंगी. तो मैं ये जो पहन रही हूँ ये हमारी फेमस मुगा सिल्क से बने हुए चादर है और वीडियो ऑन वीडियो ऑन Aliza, you are not visible anymore. नमस्कार, मैं इस स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ जो है अहोम एज असम. हमारी असम की सबसे प्राइड है जिसको बोलते हैं जाति. और ये मैं जो पहनी हुई हूँ ये जिसको बोलते हैं मेखला एंड चादर. जो मैं हाथ में पहनी हुई हूँ इसे बोलते हैं गमछा. ये जो मेरे गले में है इसको बोलते हैं गमछा. और हम इसको एज गिफ्ट देते हैं इसको बोलते हैं बिहुआन. इसको बोलते हैं बिहुआन. और मैं अभी सर वीडियो देखती है नहीं सर अपने आप ऑफ हो जाता है. अब मैं दिखाने जा रही हूँ कुछ असमीज फूड जो मैं खुद बनाया हुआ है. यह होते हैं असमीज पीठा जो नारियल और चावल से बनाया हुआ होता है. और अब मैं दिखाने जा रही हूँ जो असम की बहुत ही महत्वपूर्ण और खास यह है तामुल पान जिसे बोलते हैं पान और तामुल की बोटा. और जहाँ पे हम खाना खाते हैं वो बेल मेटल की थाली होते हैं और बाटी होते हैं जो बेल मेटल से बने हुए होते हैं. और मेरी असम को बोले जाते हैं टी गार्डन. टाइम ओवर थैंक यू धन्यवाद जॉय आयो हम टाइम इज ओवर. Thank you, Aliza. And now we have our next participant from Azad House, Kafia. Hi, Kafia. Am I audible? Yes. आरिफ साहब जरा सा ब्रेक लेना पड़ेगा ये बैटरी मेरी खत्म हो रही है. एक सेकंड में जो चार्ज पर काफिया एक मिनट वेट कर. काफिया आपको आवाज आ रही है? आवाज भी नहीं आ रही. आवाज भी मुझे नहीं आ रही और जी मेरी बैटरी भी लो हो रही. ओके सर मुझे चार्ज पे लगाना पड़ेगा. ठीक है सर. ठीक एक मिनट काफिया दो मिनट वेट कर ले. एक मिनट ब्रेक ले लीजिए प्लीज. भाई क्या बीच में अगर कोई किसी कोई गजल या कुछ इस तरह से अगर प्रेजेंट करना तो कर सकते हैं जब तक सर दो मिनट का ब्रेक ले रहे हैं. ओके सर हियर आई वुड लाइक टू इनवाइट मुजीब. हेलो एक मिनट मैम आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. काफी आप दो मिनट वेट कर लीजिए. ठीक है वेट कर लीजिए दो. मिनट
जी सर, अब आप शुरू कीजिए, मैं अब यहीं से देखता हूँ। ठीक है, परहीन प्लीज इनवाइट काफी। हरीफ साहब आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, बहुत स्लो है। काफी अपना माइक भी आप एडजस्ट करेंगे प्लीज कीजिए। सर आवाज आ रही है मेरी, मैं स्लो हो रही हूँ। बहुत हल्की आवाज आ रही है, बहुत कम। या तो इसको मैं रीस्टार्ट करूं, क्या करूं? आपके एंड से प्रॉब्लम सर, काफी के एंड से प्रॉब्लम है एक्चुअली। वो अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं। जी सर, अभी आपको ना फिर से अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब डिस्कनेक्ट होता है तो आवाज बहुत धीमी हो जाती है। यार एक बोले कुछ सर, आवाज आ रही है मेरी, मैं शुरू करूं? जी अब आ रही है आपकी आवाज क्लियर। रुक जाओ, बहुत हल्की आवाज आ रही है, बहुत हल्की। सर मैं शुरू करूं? आरिफ सर शुरू करूं मैं? काफी यार रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी आरिफ सर बताएंगे आपको। दानिश सर आपको आवाज कैसी? सर शुरू करूं? दानिश सर है क्या? आई थिंक सर आई एम ऑल सॉर्टेड, आप कंटिन्यू रखिए। ओके, आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी जी सब आ रही है। ओके, तो आरिफ सर हमें स्टार्ट करना है। आरिफ सर शुरू करें। आरिफ सर आपको मेरी आवाज आ रही? हम लोग दो मिनट वेट कर रहे हैं सर, दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो हेलो, काफी दो मिनट वेट करिए, आरिफ सर दोबारा से ज्वाइन करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, सर कैन आई स्टार्ट? वेट काफी है बेटा, तुम रुक जाओ, अभी अभी आरिफ सर आपको बताएंगे तब आप स्टार्ट करेंगे, बार बार मत पूछिए। क्या पूछ सर? हमारी आवाज आ रही है, हम एक बार कंफर्म कर रहे थे। जी आपकी आवाज आ रही Yes।
भाई निकाल के लिया, मैं निकाल दूंगी। ओके सर ने ज्वाइन कर लिया वापस। आरिफ सर, आरिफ सर अब आपको आवाज कैसे आ रही? अब आ रही बस। ठीक है। काफिया जी सर, am I audible now? है ना वो आगे से। काफी एक बार और बोले। जी सर मेरी आवाज आ रही है। आरिफ सर कंफर्म कर दूं ये आवाज तो आ रही है और मेरा वीडियो शो हो रहा है सर? खेत येलो सरसों के खेत। थोड़ा ध्यान रखना वीडियो का, ठीक है? सर शुरू करूं? जी प्लीज स्टार्ट। यस काफिया। सत्य अकाल सारियानू, मैं काफिया आजाद हाउस ने तरफो पंजाब द कल्चर दिखाने लगी आप सब दे सामने आई हूँ। मैं चंद लाइना विच पंजाब दे कल्चर बारे दसूंगी। मटके दी रोटी, सरसों दा साग, ध्यान रखो फॉर द वीडियो। सॉरी मैम, ये अपने आप है मैम तो आप हो जाती है वीडियो। मैम शो हो रही हूँ मैं? मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, विसाखी दी मस्ती, भांगड़े दा नाच, लहराते खेत, लस्सी दा ग्लास, वेलकम ऑन साड़ा पंजाब। ओहो गला गला विश्ता में सारे आनू दस नहीं भूल गई। मैम ये अपने आप वीडियो ऑफ हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। कंटिन्यू करो बेटा। ओहो गला गला विश्ता में सारे आनू ये दस नहीं भूल गई। तेनू पता है साडे पंजाब का नाम पंजाब की वजह मैं दसदी हाँ, क्योंकि साडे पंजाब विच पंज नदियां बिरास, सरस्वती, झेलम, रावी, चिनाब वहिंदियां ने। साडे पंजाब का मनपसंद प्रसिद्ध खाना मक्के की रोटी, सरसों का साग हैगा। और साडे पंजाब के लोग बड़े खुशमिजाज होंदे हैं। है साडे पंजाब का साडे पंजाब के लोग बड़े बड़े दिल वाले होंगे। मैं सारियां नूं ये भी दसना चाहूँगी कि असी पंजाब के वड्डी वड्डी शख्सियतां सामने आई हाँ। मैं उन शख्सियतों में से बाबा बुले शाह का जिक्र साडे नाल करना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि साडे बाबा बुले शाह जी किन्ने बड़े सूफी कवि रहिंदे। मैं हमारी मशहूर शायरी तेरे नाल पेश करना चाहूंगी। असी नाजुक दिल दे बंदे आ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठी कसमां खाया कर। तेनू किन्नी वारी वखिया मैनू पल पल ना अजमाया कर, तेरी यादा विच मैं मर सकदा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। हुण मुझे बुले शाह दी एक होर शायरी याद आई कि मैं सुनावा। चला मैं सुनाई देवा। पढ़ पढ़ किताबा इल्म लिया ते नाम रख लिया काजी, पढ़ पढ़ किताबा इल्म लिया ते नाम रख लिया काजी, हाथ विच फिड़ के तलवारा ते नाम रख लिया गाजी। मक्का मदीना घूम आया,
नाम रख लिया आज सब ना दिलो दा धन्यवाद मैं समा कट के ध्यान नाल सुने लाए थैंक यू मैम थैंक यू काफिया For next performance, I would like to invite K.M. Swaila from Gandhi House. आवाज आ रही है? K.M. Swaila. आवाज आ रही है हमारी? Yes. हमारी आ रही है? Yes. Start. हम लहजा थोड़ा नरम, बातें गरम सी रखते हैं. हम लहजा थोड़ा नरम, बातें गरम सी रखते हैं. लोगों से रब्ता कम व्यवस्था लखनऊ शहर से रखती ये मौसम भी लखनऊ का एहतराम करता है ये मौसम भी लखनऊ का एहतराम करता है ये हर आने जाने वाले को सलाम करता है आदाब नाजरी हम स्वाइला बीएड साले अव्वल से और उम्मीद करते हैं आपको हमारे पैराहन से अंदाजा लग गया होगा कि हम किस तस्वीर तहजीब को पेश करना चाह रहे हैं अरे खराब हो गया नजर आएगी आपको हमारे आएगी नजर आपको अपनी नजर में आइए लेके चलते हैं आपको नवाबों के शहर में इसी के साथ हम चंद अशआर अर्ज करना चाहेंगे कि घर घर में यहाँ नवाबे खानदानी है कि घर घर में यहाँ नवाबे खानदानी है यहाँ के अदब की पूरी दुनिया दीवानी है गालियां भी यहाँ तहजीब पैराहन अदा कराती है गालियां भी यहाँ तहजीब पैराहन अदा कराती है बात बात पर यहाँ लोगों की पेशानी बन जाती है और चप्पे चप्पे पे चर्चा जहां राजनीति की आम है और चप्पे चप्पे पे चर्चा जहां राजनीति की आम है लखनऊ है जनाब ये उत्तर प्रदेश की राजधानी ऐसा शहर है हमारा जहां सपने भी भरते उड़ान है ऐसा शहर है हमारा जहां सपने भी भरते उड़ान है उड़ते हैं परिंदे सुबह से यहाँ कहते इसे नवाबों की आन है एक शहर जो मुस्कुराना सिखाता है तहजीब तरबियत और इतराना सिखाता है टूटा हुआ दिल लेकर आते हैं जोड़ देता है टूटा हुआ दिल लेकर आते हैं जोड़ देता है मियां ये लखनऊ है इसका तो काम ही रखता है ये चर्चा लखनऊ का है ये चर्चा लखनऊ का है अदब है बेमिसाल खूबसूरती है प्यारी अदब है बेमिसाल खूबसूरती है प्यारी नवाबों की शहर है यहाँ की हर चीज है प्यारी इसी के साथ हम आप तमाम से रुखसती की इजाजत चाहते हैं शुक्रिया थैंक यू सो मच के.एम. Swaila इट वाज रियली गुड परफॉर्मेंस नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट फातिमा हबीब फ्रॉम मुजीब हाउस Fatima Habib from Mujib House. Yeah, am I audible? Yes, you are audible, Fatima. Good afternoon. Please let me know if am I not audible. Good afternoon. Shubha Apoor Rano. I am Fatima Habib from Diploma in Elementary Education, Hindi Medium, and I am the representative from Mujib House, and I am representing Bengali culture today. So, as we all know, Bengali culture is considered as the richest culture in India, which mainly includes Durga Puja. Durga Puja is also known as Durgotsava in West Bengal, which is celebrated in Janmashtami month according to Hindu calendar. This festival epitomizes the victory of good over evil. This is a 10-day event in which last 5 days involve several cultures,
rituals and practices which mainly involve genital nephew, in which mostly married women carry dunichis like this, burning with incense sticks and dry coconut skin, and to please Goddess Durga, they perform in front of Goddess Durga to God the blessing of Ma Durga. In West Bengal, many dunichis competitions also organized. They also organize many dunichis competitions in which women carry dunichis in their heads, in their hands, in their teeth also. So at last, Bengal culture is here, but I am ending my session. And at last, I want to say something. Amadorya Sanskrita evam dharmo sharavam vrshakula ekratim bhava. Which means, apart from the religion we have and the culture we follow, we all Indians are one. Onek dhonnebad. Thank you. Thank you so much, Fatima. Moving forward, I would like to invite our next participant, Rahil from Nehru House. Rahil from Nehru House. ए मेरी जमीन सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। सत श्री अकाल साना नू, मैं राहिल नेहरू हाउस दिया। साडा की हाल आ? सानू मिलके बड़ी खुशियां हुई आ दिया। मैं सोनी कुड़ी पंजाब नी, काले काले मेरे बाल, माथे पट्टे मेरे चमके, जूती तिल्ले धार, सूट लिया ना पटियाला तो बालिया लाहौर दिया। मैं आई नू पंजाब नू, ठीक है, कैमरा नहीं ऑन है। Rahil, you are not visible. Rahil? Hello? Rahil? Yes, Rahil. You are audible, but your camera is not on, I guess. No. Arif sir? जी नहीं, कैमरा ऑन नहीं है। So Rahil, you are not visible to us. Rahil? Arif sir, is she visible to you? No. Dr. Arif Mohammed sir, आप दूसरी परफॉर्मेंस को करवा दीजिए या इनके सब्स्टिट्यूट को बुलवा लीजिए। Okay. For this, I would like to call Rukhsar from Nehru House. Sir, from Nehru House. Sir, I guess she is not here, sir. Shall we move ahead? Hello? Yes, please. Okay. Now, I would like to call Sadia Seher from Sayyadan House. Sadia Seher. Jeez, Assalamu alaikum. Meri awaaz aa rahi hai? Yes, Sadia. Aur video? Yes, Sadia, please start.
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया सहर डीएलएड फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम की स्टूडेंट हूँ। मैं सैयदैन हाउस से फैंसी ड्रेस कंपटीशन में स्टेट आउटफिट में झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो चलिए थोड़ा सा झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक झार जिसका मतलब है झाड़ी, एक खंड जिसका मतलब है टुकड़ा। झारखंड अस्तित्व में 15 नवंबर 2000 में आया। ये बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। मैं आपके समक्ष एक कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरा झारखंड महान, जो झारखंड के बारे में विस्तार से बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा झारखंड महान, मेरा झारखंड महान, मेरा झारखंड महान, यही है शान हिंदुस्तान, ये है शान हिंदुस्तान, हमको है अभिमान हमारे झारखंड की पहचान। मेरा झारखंड महान, मेरा झारखंड महान, देश मतलब ये आ चुकी है मगर वो दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं है। अच्छा, कैमरा शायद फोकस नहीं है। नहीं, एक्चुअली इन्होंने वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया है और वो ये भी हो सकता है, तो उसको रिमूव करके एक बार ट्राई करें आप प्लीज। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है। यस यू आर ऑडिबल सादिया, बट कैमरा इज ओके। शुरू करो क्या, जहाँ से मैंने छुड़ा था वहीं से शुरू से करते हैं। मैं सादिया, तुम्हारी आवाज आ रही है लेकिन तुम्हारा विजुअल नहीं आ रहा। तुमने जो वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया है उसको रिमूव कर दो तो शायद तुम दिखने लग जाओ बेटा। ओके ठीक है। शुरू से स्टार्ट करूं? यस प्लीज। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया सहर डीएलएड फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम की स्टूडेंट हूँ। मैं सैयदैन हाउस से फैंसी ड्रेस कंपटीशन में स्टेट आउटफिट में झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक झार जिसका मतलब होता है झाड़ी, एक जिसका मतलब होता है टुकड़ा। झारखंड अस्तित्व में 15 नवंबर 2000 में आया। ये बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। मैं आपके समक्ष एक कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरा झारखंड महान, जो झारखंड के बारे में विस्तार से बताएगा। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। मेरा झारखंड महान, मेरा झारखंड महान, मेरा झारखंड महान, यही है शान हिंदुस्तान, ये है शान हिंदुस्तान, नेक्स्ट हाउस को बुला लीजिए प्लीज। ओके मैम, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट शिरीन फ्रॉम जाकिर हाउस। शिरीन फ्रॉम जाकिर हाउस। यस मैम, प्लीज स्टार्ट योर परफॉर्मेंस। मैम आई एम ऑडिबल? यस यू आर शिरीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेरी जहां बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। इंटरप्ट यू बट यू आर नॉट विजिबल। मैम आई एम नॉट विजिबल। फॉर मी आई नॉट प्रोसेस ऑफ
नहीं विजिबल नहीं है। मैम आई एम विजिबल? नो शिरीन। अब विजिबल हैं लेकिन आई गेस शिरीन आप दो डिवाइस से कनेक्टेड हैं। बोला ना विजिबल मैम। मैम यस मैम मैं कनेक्ट हूँ पर दोनों में से कोई लगता है काम नहीं कर पा रहा है। मैम विजिबल? एक एक डिवाइस से आपकी वॉइस आ रही मतलब आवाज आ रही दूसरे से आपकी वीडियो आ रही है तो सर वीडियो आ रही है हाँ लेकिन दूसरे डिवाइस से आ रही है। मैम सर मैं शुरू करती मैं श्रीरी जहां बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जाकिर हाउस की तरफ से बिहार को प्रेजेंट कर रही हूँ। 3 मिनट में बिहार को बताना मुश्किल है पर मैं अपने लफ्जों में बिहार को बयान करने की कोशिश करूंगी। बिहार हूँ मैं, चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, चाणक्य सा स्वाभिमानी हूँ मैं, मांझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, अशोक कस्तम के शेर की दहाड़ हूँ मैं, अभिचल अटिक बिहार हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली की इतिहास हूँ मैं, सात शहीद का रक्त हूँ मैं, लोकनायक सा देशभक्त हूँ मैं, गुरु गोविंद सा बलवान हूँ मैं, मैत्री का अद्भुत ज्ञान हूँ मैं, अभिचल अटिक बिहार हूँ मैं, मगध सा सम्राज हूँ मैं, हिंद केसर का ताज हूँ मैं, पटना सा प्यारा हूँ मैं, भोजपुरी सा आवारा हूँ मैं, शिक्षा केंद्र विक्रमशिला हूँ मैं, कुर्सी का विनाशशिला हूँ मैं, गणतंत्र का प्रथम प्रहार हूँ मैं, छठ सा धार्मिक हूँ मैं, विद्यापति सा मार्मिक हूँ मैं, दिनकर सा कवि हूँ मैं, बुद्ध की छवि हूँ मैं, अभिचल अडिग बिहार हूँ मैं, करोड़ों दिलों का परिवार हूँ मैं, अभिचल अडिग बिहार हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अब जो एंट्रीज इस थीम में रह गई हैं वो कौन कौन से हाउस हैं फरीन जिनकी रह गई हैं? मैम सैयदन हाउस एंड गांधी हाउस आल्सो मैम। सैयदन हाउस तैयार है और गांधी हाउस आप लोग? यस मैम। मैम इज इट विजिबल एंड ऑडिबल? Please confirm. You are audible only, not visible. Ma'am, is it audible? Arif sir, is it audible and visible? Please confirm. Yes, you are audible yes, as well as visible. Yes, you are audible as well as visible. Okay, thank you, ma'am. सर एक मिनट सर ये वीडियो सर ये Sir, please pick up my phone.
जी सर ठीक है सर कंटिन्यू गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम विनी है। मैं गांधी हाउस की तरफ से झांसी की रानी का किरदार निभा रही हूँ। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूरी निष्ठा के साथ अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगी। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सके। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं वो मशाल बन के खड़ी रहूंगी जो हर भारतीय के अंदर एक भूख बनकर दहकेगी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी, फर्क सिर्फ इतना है आप राज्य करना चाहते हैं और मैं आपकी सेवा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। मैम यस प्लीज कॉल द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। यस सर। One participant was also there who couldn't perform due to network issues. That was Rahil from Nehru House. Should we call out her? Yes, please. Sir, mera kab hai? Rahil, are you there? Ji, Fareen. Aapko mera video dikh raha hai? Fareen, aapko mera video dikh raha hai? I'm unable to see. Please confirm कीजिए. आसिफ सर. नहीं दिख रहा है. आप किस मोबाइल से कनेक्ट हैं या लैपटॉप से? Yes, now visible. Right now you are visible. It's visible now. Okay. Go ahead. Go ahead. Please. Now. No, Rahil. Hello. हाँ. मेरा वीडियो विजिबल है? नो इट इज नॉट विजिबल नाउ। इट वाज विजिबल बट नाउ इट इज नॉट विजिबल। नाउ नो यार अपना घर पे अभी भी शोर। Rahil, it was visible for a moment. Rahil, आप किस डिवाइस से कनेक्ट है, मोबाइल से या लैपटॉप से? Rahil? राहिल आपको आवाज आ रही? आई थिंक स्टैंड बाई में है, उनको कॉल कर लें इस हाउस। स्टैंड बाई को कॉल कर लीजिए। ओके मैम, आई वुड लाइक टू इनवाइट रुखसार फ्रॉम नेहरू हाउस। रुखसार आर यू देयर फ्रॉम नेहरू हाउस? Rukhsar? Ma'am, I guess she is also not there. Rukhsar? Ma'am, main present kar lu fir? Fareen, stand by mein jo hai unko bula lo fir, agar wo join nahi kar pa rahe to. सर स्टैंड बाय में रुखसार ही हैं, आई एम कॉलिंग हर। वो भी देन मूव टू द नेक्स्ट हाउस, इनको फिर बाद में ले लेना।
आरिफ सर, आरिफ मोहम्मद सर जी, अगर एक बार ये कंपेयरर जो बच्चे हैं ये कंफर्म कर दें कि लास्ट थीम में नेहरू हाउस के अलावा सबका हो गया। हाँ, नो मैम, सैयदन हाउस का मैम फैंसी ड्रेस का बाकी है, मेरा नहीं हुआ मैम। नहीं तो अगर आपका नहीं हो पा रहा है और आपके स्टैंड बाय का भी नहीं हो पा रहा है तो अब इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर पाएंगे। मैम मैं अब कर लेती मैम, कैमरा ऑन हो रहा है। मैं आपको एक मिनट दे रही हूँ, प्लीज अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मजबूरी है। ओके मैम, ओके मैम। हेलो, आपको अब मेरा वीडियो दिखाएं? जी दिखाई दे रहा राहिल वीडियो। राहिल कंटिन्यू करो जल्दी। सर मुझे करना था ना सर, मैं करूं? नाइला, आप कंपेयरर हैं, अगर जल्दी मूव करिए क्योंकि टाइम की भी हमें टाइम लिमिट रखनी है। अगर नहीं हो पा रहा है स्टैंड बाय का भी और इनका भी तो खत्म करिए, जल्दी मूव करिए। ठीक है। राहिला आप अभी दिख रही हैं, अब आप स्टार्ट करिए, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं, स्टार्ट करिए। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। सत श्री अकाल साडन, मैं राहिल नेहरू हाउस दिया, साडा की हाला, सानू मिलके बड़ी खुशियां हुई अभी। मैं सोनी कड़ी पंजाब दी, काले काले मेरे बाल, माथे पट्टी मेरे चमके, जूती तिल्लेदार, सूट लिया पटियाला तू, साने बालियां लाहौर दी, आई नू पंजाब से, ये धरती सारे गुरुआ दी, जिवे तसानू मान, मक्के दी रोटी सरोद साग, गिद्धा पालो मेरे नाल, बैसाखी दी मस्ती भंगड़े ते साथ, लहरा ते खेत लस्सी दा गिलास, वेलकम टू ऑल मेरे नाल। एक सेकंड,
Time is over. Thank you, Rahil. अब मैं सैयदन हाउस से हमारी जो फेमस पर्सनालिटीज में सोहरा खान हैं उनको दावत देना चाहूंगी. फेमस पर्सनालिटीज थीम के अंडर सोहरा खान, प्लीज गो अहेड. मैम दिख रही हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं सुग्रा खान डीएलएड फर्स्ट ईयर की छात्रा यहाँ पे सैयदन हाउस को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में रिप्रेजेंट करते हुए. फ्यूचर हमारा है, हमसे है, हमें लड़ना है. मैं सावित्री बाई फूले 1831 में पैदा हुई और मेरी सिर्फ 10 साल की उम्र में शादी कर दी गई, जहाँ मेरे सिर्फ पति की उम्र सिर्फ 13 साल की थी. फिर मुझे पढ़ने का शौक हुआ, मैं पढ़ी और आगे बढ़ी. मैंने इंडिया में पहला स्कूल खोला पुणे में, जहाँ सिर्फ 6 लड़कियां आती थी. ऐसा क्यों? समाज लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता था, आगे बढ़ना नहीं चाहता था. मैं शूद्र कास्ट से बिलोंग करती थी, कोई नहीं चाहता था जात वाला के नीच जात वाली लड़की कोई को कोई पढ़ाए. मुझे बहुत ज्यादा कठिनाइयां उठानी पड़ी, परेशानियां हुई, पर मैंने हार नहीं मानी, सफलता प्राप्त करी और लड़कियों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी. फिर मैंने 1848 में एक स्कूल खोला, जहाँ पे 150 लड़कियां आने लगी. मैंने घर घर जाके लड़कियों को पढ़ाया, लोगों ने मुझसे पथराव किए, बहुत ज्यादा परेशानियां हुई. फिर मेरी पारिवारिक समस्याएं आने लगी और हमें घर छोड़ के हमें जाना पड़ा, जहाँ पे हमें फातिमा शेख और उस्मान शेख के घर रहना पड़ा था. हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करा, पर जब भी हमने हार नहीं मानी. हमें लड़ना चाहिए, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, बराबरी करनी चाहिए लड़कियों को, और लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे ही रही. बस थैंक यू सो मच. अब मैं इसी के साथ सैयदन हाउस से स्टेट वाली थीम के अंडर सादिया शहर को बुलाना चाहूंगी. सादिया शहर प्लीज ओवर टू यू. सादिया शहर कैन यू हियर मी? I can call out the standby also. That is Sana Parveen from Sayyidan House. Sure. Agar unki standby hai, to please go karte hain. Yes. Yes. Yes, Sana Parveen, are you there? Yes, ma'am. Please go ahead. Continue. Go ahead. Yes, ma'am. Happy. Yes, Sana Parveen. Sana, mic aur camera on karke shuru kijiye. Can you see her? Are you, sir? Yes, she's visible. Not now. Sana? It is not visible for me. Yes, sir. सर मेरी वीडियो आ रही है. वीडियो और आवाज दोनों आ रही, प्लीज कंटिन्यू. ए तू उपस्थित सब लोगन के हमरा प्रणाम करिए. मेरा नाम सना परवीन बा. हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की छात्रा बा. हमरा
हमरा बिहार के हमरा बिहार के बिहार को प्रस्तुत करे का मौका मिले हमरे बिहार घर हेलो जी सर प्लीज कंटिन्यू सना परवीन Time is over. Time's up. Thank you, Sana Parveen. And now I would like to thank all the participants who performed really well. All the performances were really commendable. And now, till the time our judges decide the result, I would like to continue this event by calling some pillars from both the houses. First, I would like to call Niamul from Mujib House. Naimul from Mujib House. Assalamu alaikum. Naimul? Yes, assalamu alaikum. Am I audible? Yes. Yeah, main ek ghazal pesh karta hoon Shabina Aditi ki. लौट आओ भुला कर खताएं मेरी लौट आओ भुला कर खताएं मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी आई दीपावली सज गई हर गली आई दीपावली सज गई हर गली मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो आई दीपावली सज गई हर गली मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा प्यार से जीत लेता है दिल आदमी जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा प्यार से जीत लेता है दिल आदमी ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी और आज के इस बिजी शेड्यूल में जो एक फीमेल है महिला है उसका जो दर्द है वो बयां करने की कोशिश करता हूँ वो जुनू क्या हुआ वो वफा क्या हुई अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं
वो जुनू क्या हुआ वो वफा क्या हुई अब तो चूड़ी विलाने की फुर्सत नहीं किस मोहब्बत से अब तक ये कहते थे तुम किस मोहब्बत से अब तक ये कहते थे तुम चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो किस मोहब्बत से अब तक ये कहते थे तुम चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी देके दिल का उजाला चरागों को मैं देके दिल का उजाला चरागों को मैं रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो देके दिल का उजाला चरागों को मैं रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो सब यहाँ पर है अपने पराए नहीं और अपनों से कुछ भी छुपाते नहीं सब यहाँ पर है अपने पराए नहीं और अपनों से कुछ भी छुपाते नहीं जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का हो जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का हो वो गजल भी सुना दूं अगर तुम कहो जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का हो वो गजल भी सुना दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो थैंक यू सो मच नईमुल इट वाज रियली ग्रेट परफॉर्मेंस नाउ आई वुड लाइक टू कॉल शबूफी फ्रॉम मुजीब हाउ टू रिसाइट सम पोएट्री मेरी आवाज आ रही है यस हेलो जी मेरी आवाज आ रही है शगुफी जी शगुफी आवाज आ रही है आपके कंटिन्यू ओके मैं एक पोएम सुनाने वाली हूँ जिसका टाइटल है कैसी ऐसी रीत बनाई जग ने ये कैसी रीत बनाई जग ने क्यों इसे हमें निभाना है क्यों माँ का आंचल छोड़ हमें किसी और के घर ही जाना है क्यों माँ का आंचल छोड़ हमें किसी और के घर ही जाना है जिसका साथ नहीं बनता फिर क्यों उसका साथ निभाना है ससुराल से अर्थी ही निकले ये कितना रीत पुराना है ये कितना रीत पुराना है मीलों की दूरी है इस दूरी को आज मिटाना है मीलों की दूरी है इस दूरी को मिटाना है तेरी सोच को मेरी सोच से आज मिलाना है माँ के आंचल में अब फिर से घर बनाना है उन जंजीरों को तोड़ आज उड़कर मुझे दिखाना है उन जंजीरों को तोड़ आज उड़कर मुझे दिखाना है ये कैसी रीत बनाई जग ने इस रीत को आज मिटाना है इसके अलावा मैंने एक कुछ लाइन्स लिखी थी वक्त के हिसाब से वक्त पर बोला करो वक्त के हिसाब से वक्त पर बोला करो पहले लफ्जों की तराजू में लफ्जों को तोला करो अल्फाजों की अदायगी निहायत ही जरूरी है मेरे दोस्त अल्फाजों की अदायगी निहायत ही जरूरी है मेरे दोस्त तुम बोलने से पहले जरा सोच कर बोला करो थैंक यू सो मच नायला अभी रिजल्ट तैयार हो रहे हैं तो जब नायला नेक्स्ट को बुला लो आप हाँ
जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, जो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर हैं उनको आप बुला लीजिएगा, नायला और फरहीन. ओके सर, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल महजबी फ्रॉम गांधी हाउस. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस महजबी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम महजबीन है और मैं डीएलएड उर्दू मीडियम से हूँ और मैं आज गांधी हाउस की तरफ से एक गजल पेश करना चाहती हूँ आप सबके सामने. तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हम राज बदल डालो. तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो. पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुर ही न मिले जिसमें वो साज बदल डालो. दुश्मन के इरादों को हे जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो. ये दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा आए, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो. तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो. अब मैं एक आखिरी एक शेर के साथ इख्तिताम करती हूँ. तुन दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुन दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. थैंक यू. महजबी, फरहीन हमारे पास और परफॉर्मर है, अदरवाइज मैं चाहूंगा कि महजबी थोड़ा सा और कंटिन्यू करें, दो चार शेर और अशार और सुनाएं. ओके सर, मोहम्मद रमजानुल सर. हेलो, तो हम उनको बुला सकते हैं? हेलो नायला, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस यू आर ऑडिबल. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल महक फ्रॉम गांधी हाउस टू प्रोसीड इट वट फर्दर. महक, आर यू देयर? महक नहीं है, मोहम्मद रमजानुल है. ओके ओके, मोहम्मद रमजानुल. हेलो हेलो, मैं मुजीब हाउस से एक शायरी सुनाना चाहूंगा. या ऑडिबल? हेलो सर, महक. दो लोगों का माइक ऑन है. हाँ महक, आप अपना माइक अभी अपने आप को अनम्यूट कर लो. हाँ ठीक है, मुजीब हाउस से जो सुनाना है वो सुनाएंगे, देन आप सुनाइएगा महक, उसके बाद मुजीब हाउस से बात. ओके सर, मेरा रमजानुल है नाम, मैं मुजीब हाउस से सुनाता हूँ. ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं. तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं. मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप तो फूलों के खरीदार नजर आते हैं. कल जिन्हें छू भी नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, कल जिन्हें छू भी नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रौनक के बाजार नजर आते हैं. और हसर में कौन गवाही मेरी देगा सागर, हसर में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं. शुक्रिया. सो मच रमजान. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल महक, यू आर देयर? महक फ्रॉम गांधी हाउस. यस, एम आई ऑडिबल? यस महक. हेलो जी, ऑडिबल है, आप कंटिन्यू करें महक. ओके सर, ओके सर. ये जो मैं ना दुआ पढ़ने जा रही हूँ, ये अल्लामा इकबाल के जरिए लिखी गई दुआ है, बगौर समाज फरमाइए. कोई उरूज दे ना जवाल दे, पता है कल परसों जो दिन हम लोग में दुआ करते हैं कि कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे. तेरी रहमतों का नुजूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल और ज़र की हवस नहीं,
मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरे सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे, तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोज़ शब है ये दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, कोई उरूज देना जवाल दे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच महक। वक्त है और इजाजत है फरीन, तो मैं भी एक तो पढ़ना चाहूंगी। यस नायला। नायला मैं भी एक इफ्तिखार अहमद। बिल्कुल 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 नायला। नायला प्लीज। इफ्तिखार मैं आपको अपने बात बुलाती हूँ, मैं फैज साहब की जो बोल है नज्म वो पढ़ना चाहूंगी। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जा अब तक तेरी है, देख कि आहा घर की दुकान में बंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कहते। शुक्रिया। इफ्तिखार साहब ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैं अल्लामा इकबाल के एक नज़्म सुनाता हूँ, बांगे देरा से है। मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, नज़ारे की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे, वाइज़े कमाले तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकशी, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिज्र का सौदा भी छोड़ दे, मानिंदे खामा तेरी जबां पर है हरफे गैर, मानिंदे खामा तेरी जबां पर है हरफे गैर, बेगाना शय पे नाजिश बेजा भी छोड़ दे, शबनम की तरह फूलों पे रू और चमन से चल, इस बाग में कयाम का सौदा भी छोड़ दे, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हर्म भी कलीसा भी छोड़ दे, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे, जीना वो क्या जो हो नफ्स गैर पर मदार, जीना वो क्या जो हो नफ्स गैर पर मदार, शोहरत की जिंदगी का भरोसा भी छोड़ दे, और लाश शेर में सुना के खत्म करता हूँ, वाइजे सबूत लाए जो मैं की जवाज में, वाइजे सबूत लाए जो मैं की जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। शुक्रिया। बहुत खूब सर, डू वी हैव मोर टाइम? और नायला किसी और को या आप लोगों में से फरीन ही आप कर लीजिए, कुछ मतलब परफॉर्म करना चाहते हैं? मैं एक सर फरीन, मुझे भी एक शायरी सुनाने का अलाव मिलता तो मैं भी करता। सर मैं एक छोटी सी गजल सुनाना चाहूंगा। अरविंद शाकिर की, शाकिर की सुनाइए। जी सर सुनाओ। जी बिल्कुल। अरविंद शाकिर की एक गजल है जिनके चंद अशार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसअला फूल का है फूल किधर जाएगा, हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगें जामे उतर जाएगा, वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है,
वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, एक झोंका है जो आएगा गुजर जाएगा। वो जब आएगा तो उसकी रफाकत के लिए, वो जब आएगा तो उसकी रफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा। मुझको तहजीब के बरज़ख का बनाया वारिस, मुझको तहजीब के बरज़ख का बनाया वारिस, जुर्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा। थैंक यू सर। Now I would like to invite Mohammad Izhar from Mujib House. Mohammad Izhar. Yes. Mohammad Izhar, are you there? इनके बदले मैं पढ़ दूँ? Hello, Assalamu Alaikum. Farin. Izhar. Yes. मैं सुना सकती हूँ? जी मैं कतील शिफाई के चंद कलाम सुनाना चाहती हूँ। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। इतना तो हो फायदा बारिश की कमी से, इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी से, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। इनाम के लालच में लिखे मदह किसी की, इनाम के लालच में लिखे मदह किसी की, इतना तो कभी कोई सुखनवर नहीं गिरता। हैरा है कोई रोज से ठहरा हुआ पानी, हैरा है कोई रोज से ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। इस बंदाए खुददार पे नबियों का है साया, इस बंदे खुददार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुकमाए तर पर नहीं गिरता। करना है जो सर मोर कहे जीसत तो सुन ले, करना है जो सर मोर कहे जीसत तो सुन ले, बेबाजु हैदर दरे खैबर पर नहीं गिरता। और आखिर शेर मुलाजा फरमाएगा, कायम है कतील अब ये मेरे सर के सुतू पर, कायल है कायम है कतील अब ये मेरे सर के सुतू पर, भौचाल भी आए तो मेरा घर नहीं गिरता। शुक्रिया बहुत बहुत। सर इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोलूं? फरीन, मैं भी एक शायरी सुनाना चाहता हूं। वन बाय वन, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट सलमान रागिब फ्रॉम गांधी हाउस, देन आई विल इनवाइट, प्लीज सलमान रागिब गो अहेड। ओके, थैंक यू फरीन। ये कहा जाता है कि लाइफ में कोई काम को करो तो पूरे दिल से करो, आधा दिल इधर लगाना आधा दिल उधर लगाना, ये इसमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फैज अहमद फैज साहब ने एक बहुत फेमस नज्म शायरी लिखा है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा कभी इश्क से काम उलझता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा कभी इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सलमान। यस करीन, मैं भी कुछ सुनाना चाहूंगा। यस प्लीज मोहम्मद इजहार। यस मैं पोएट्री सुनाना चाहूंगा। यस प्लीज गो अहेड। एक सेकंड, आवाज आ रही हैगा? यस सर। जी जी हाँ, अभी थोड़ा सा रुकिएगा। आरिफ सर आप सुन पा रहे हैं?
जी आप क्या है कुछ ओवर कुछ वर्ड्स क्या है कही कुछ वर्ड्स कहें कंक्लूडिंग वर्ड्स ठीक है अभी तक जो हुआ है तो मैं आपको दावत दूंगा और इनवाइट करूंगा एनएसएस ऑफिसर डॉक्टर आरिफ सर कि वो अपने तासुरात से हम लोगों को रूबरू करें आरिफ सर माफी चाहूंगा आरिफ नकवी सर आरिफ नकवी सर सुन पा रहे हैं आप मैं देखता हूँ सर हैं या नहीं एक बार अभी थे आरिफ सर तो थे आरिफ सर हैं आरिफ सर अनम्यूट करिएगा अपने आप को आरिफ सर सुन पा रहे हैं आप आरिफ नकवी सर सॉरी मैं ड्रॉप हो गई थी आरिफ सर को बुलाऊं मैं नहीं आरिफ नकवी सर अवेलेबल तो है यहाँ पे नायला बुला लीजिएगा जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सभी फिलर्स का अब मैं मौजूद जज साहिबान से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें इस मुकाबले के नतीज से भी आगाह करें और आज के प्रोग्राम के बारे में अपने तासुरात का इजहार करें सबसे पहले मैं मोहतरम आरिफ नकवी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो आज के प्रोग्राम पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं सर आरिफ सर सुन पा रहे हैं आप हम लोगों को आरिफ नकवी सर जी आ रही बहुत हल्की आ रही एक बार और बोले आरिफ आवाज आ रही है जी जी सर, बहुत स्लो आवाज आ रही है अब ठीक आ रही है सर तो बहुत बहुत हो आप सब लोगों को और इतने जो मुश्किल हालात हैं तो भी आप लोग अपना काम अपने ड्यूटीज और बच्चे ये स्टूडेंट अपना पार्टिसिपेशन पूरे जोश और खरोश के साथ कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है इसलिए कि जिंदगी ऐसे ही चलती चाहिए जिंदगी दुश्वारियों के साथ ही चलती है आगे बढ़ती रहती है मुझे बहुत अच्छा लगा और को भी और देता हूं और सोचे एक बात ये मैं हमेशा कहता हूं मैं आप लोगों के साथ आपके डिपार्टमेंट से आपकी कंट्री से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं और अक्सर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में मैं शिरकत करता हूं तो मुझे ये बात हमेशा ये बात मैं लोगों से कहता हूं कि ये जो मुकाबले होते हैं ये नाम हासिल करने के लिए नहीं होते नाम इसका एक पार्ट है वो भी ठीक है क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है और लोग खुश होते हैं और वो करते हैं लेकिन बहरहाल इस इनाम से बड़ी चीज़ जो होती है वो इसका अपना एक्सपीरियंस इसकी इसका तजुर्बा और इसकी यादें जो आपके साथ रहेंगी ताउम्र रहेंगी पूरे जीवन आपके साथ रहेंगी वो इसका इनाम है जो मुझे भी जब से मैंने कॉलेज छोड़े हुए भी मुझे रिटायर हो गए मैं अब रिटायर्ड हूँ लेकिन अभी भी मुझे अपने कॉलेज की यादें और अपने ड्रामे और ये सब मुझे अभी भी बहुत गोल्डन मेमोरीज हैं मेरी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी आवाज आ रही है मेरी फिर से आरिफ साहब मेरी आवाज आ रही है जी आ रही है जी सर आवाज आ रही है आ रही है अभी बीच में कोई फोन आ गया था उसकी वजह से तो मैं कह रहा था कि एक जो हमारी हमारा एसेट है हमारा गिफ्ट है इनाम है सब कुछ वो ही अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जितना जिस तरीके से ऑनलाइन कंपटीशन हुआ मैं बहुत मिस किया कि हम सब लोग एक साथ होते एक साथ
मिलते इंटरेक्ट करके वो जाहिर है कि वो था और जिस तरीके से भी हो पाया ये बहुत अच्छा रहा। एक बात जो मुझे लगी कि परफॉर्मेंस में ये जो फैंसी ड्रेस होता है अगर यही बता दिया जाए कि मैं कौन हूँ और मैं किसका फैंसी ड्रेस कर रहा हूँ तो वो उसकी एक कमजोरी हो। अगर आप बगैर बताए कुछ जगह थी जिनमें बिल्कुल साफ था लेकिन कुछ जगह आपको बताना पड़ता था। चलिए फाउंडर्स में भी आपने देखे बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे तो इसलिए वो कर दिया लेकिन अब जैसे दाखिर साहब हैं और वो। और दूसरी बात ये कि उसमें जो बॉडी लैंग्वेज होती है जेस्चर्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि हम ना सही कि हमने उन्हें नहीं देखा हम नहीं जानते कि वो कैसे करते थे लेकिन एक तो फोटोग्राफ से इससे उससे आजकल मिल जाता है वो हो सकता था। और मैं टेक्निकली मुझे ये लगता है कि ये इट इज समथिंग बिटवीन फैंसी ड्रेस एंड मोनो एक्टिंग ये कुछ उसके बीच की परफॉर्मेंसेस थी कि जिसमें बड़े बड़े तकरीरें भी कर रहे थे और डांस भी हो रहा था और तमाम चीज़ें थी तो वो खैर बहरहाल ज़रूरत के लिए ये सब चीज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि हमें क्या करना है क्या नहीं लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी। और एक बात जो आप लोगों ने भी महसूस की होगी कि हमने फेमस पर्सनैलिटी फाउंडर्स कल्चरल इस्टेट ये सब किए तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा प्यारा हमारा मुल्क जो है वो कितना वर्सटाइल कितना सारे तरीके के लोगों से तरह तरह के कल्चर से बना है और हम उसको मतलब कितना रंगीन है और चाहे वो लिंगुअल लेवल पे हो जबान के लेवल पे हो कल्चर के लेवल पे और वो बहुत को हम एंजॉय करना चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए कि इस मुल्क की जो ये खासियत है ये जो एक गुलदस्ता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे हैं तभी उस गुलदस्ते की खूबसूरती ज़्यादा होती है। अगर सिर्फ एक ही तरह के फूल होंगे तो वो खैर बहरहाल तो वो मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों का थोड़ा मिस भी किया कि जो कही गई ऑडियो और वीडियो थोड़ा ख़राब रहा तो लेकिन ये कि मैं एक बार फिर आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को और टीचर्स को ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से इतने शौक से ये फंक्शन किया। अब हम ऑनलाइन होने की वजह से रिजल्ट हमने अपनी शीट वहाँ भेज दिए थे तबस्सुम मैम या जो भी ऑर्गेनाइजर वो उसका रिजल्ट पोस्ट कर देंगे। जिनको प्राइज मिला उन्हें भी मुबारकबाद जिनको प्राइज नहीं मिला उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आरिफ नकवी साहब आपने इतना कीमती वक्त अपना हम लोगों को दिया और इतनी सारी दिक्कत के बावजूद आप इतने सब्र व तहम्मुल से और दिलचस्पी से इस प्रोग्राम का हिस्सा बने रहे और इन एब्सेंशिया दानिश इकबाल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी इतना अपना वक्त कीमती वक्त हमको दिया क्यों उनको एक मीटिंग में जाना था इसलिए वो माजरत करके चले गए हैं। मैं आरिफ नकवी साहब और दानिश इकबाल साहब ने अपने रिजल्ट्स हमारे पास भेज दिए थे जिसको मैंने और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रूही फातिमा मैम ने बैठ करके कैलकुलेट कर लिया है और रिजल्ट अब आपके सामने है। रिजल्ट सुनाने से पहले मैं आप सबका सारे बच्चों का और सारे परफॉर्मर्स जितने थे उन सब को बहुत शाबाशी भी देना चाहती हूँ और तसल्ली भी देना चाहती हूँ कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद आप लोगों ने इतनी दिलचस्पी से और इतने शौक़ और ज़ौक से हिस्सा लिया और अपनी अपनी कोशिशें की। जिन पॉइंट्स की तरफ हमारे एस्टीम जज ने इशारे किए हैं कि आप लोगों को उन पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आपको
अपने एक्ट से अपनी पर्सनालिटी को शो करना था, ना कि आपको उनके नाम्स अनाउंस करने थे। हमारे जो काबिल जज थे वो खुद उनको पहचान लेते कि वो कौन थे। लेकिन बहरहाल आप बच्चे हैं, आप सीख रहे हैं। आज यहाँ जो बातें आपको बताई गई हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो कल जब आप टीचर बनेंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को वो बातें समझा पाएंगे। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त अब नहीं और सब्र को नहीं आजमाऊंगी, तो मैं रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने की इजाज़त चाहती हूँ आरिफ नकवी साहब से। शुक्रिया सर। तो बानिया ने जामिया यानी फाउंडर्स और जामिया के जो रिजल्ट्स हैं उसमें फर्स्ट प्राइज के लिए टाई है दो हाउसेस के बीच में। और लेकिन मैं सबसे पहले थर्ड प्राइज को अनाउंस करना चाहती हूँ। तो थर्ड प्राइज जो इसमें गया है वो गया है जाकिर हाउस को, और सेकेंड प्राइज गया है अजमल हाउस को। फर्स्ट प्राइज के लिए टाई है दो हाउसेस के बीच में, और वो हाउसेस हैं आजाद हाउस और गांधी हाउस। हैव अ बिग अप्लॉज फॉर दीज विनर्स। दूसरी हमारी थीम थी फेमस पर्सनालिटी की। उसमें जो हमारे प्राइजेस हैं वो हैं, थर्ड प्राइज हमारा गया है, एक सेकेंड जी, थर्ड प्राइज हमारा गया है उसमें मुजीब हाउस को। फर्स्ट प्राइज गया है अगेन अजमल हाउस, सॉरी सेकेंड प्राइज गया है अगेन अजमल हाउस को। और एनी गेस फर्स्ट प्राइज? फर्स्ट प्राइज गया है अंसारी हाउस को। तीसरी हमारी जो स्टेट आउटफिट्स थी उसमें जो प्राइज हैं वो हमारा थर्ड प्राइज गया है गांधी हाउस को। सेकेंड प्राइज हमारा गया है अंसारी हाउस को, और फर्स्ट प्राइज गया है अजमल हाउस को। तो ये तीन हमारे रिजल्ट थे तीनों एंट्रीज में। और मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ विनर्स को। और जिन लोगों को कोई भी प्राइज नहीं मिला वो सब भी विनर हैं, क्योंकि जिसने यहाँ पर हिस्सा लिया और अपने को अपनी परफॉर्मेंस दी वो सब हमारी नज़र में विनर हैं। हार और जीत तो लगी रहती है। तो हैव अ बिग अप्लॉज फॉर द उन लोगों के लिए जिनको कोई प्राइज नहीं मिला। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, ओवर टू यू नायला। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. But before we conclude the event, on behalf of my co-host and I myself, we both would like to take this opportunity and thank and show our heartfelt gratitude to our kind head of the department, Nahid Zahoor ma'am. उन्होंने हमेशा हमें support किया और motivate किया ऐसे events करने के लिए, and we are always proud to have you as our head, ma'am. Secondly, we are also indebted to our coordinators and officers, CCA coordinator Tabassum ma'am, Raisa ma'am, and NSS program officer Ruhi ma'am and Arif sir for providing us all the required administrative support and guidance for making this event a successful reality. Your guidance was very much needed. Further, I would also like to show my deep sense of appreciation for both the judges. We know that your post is very demanding, and despite your engagements, you were there throughout. So thank you so much, sir. We are also very thankful to our house advisors, Archana ma'am, Ansar sir, Savita ma'am, Tausir sir, for providing support throughout from the scratch, and also for encouraging students to come forward and show their hidden talents. We are also very much thankful to our technical team, Dr. Mahmood Ali, Dr. Arif Mohammed, Dr. Mohammed Tanveer, Dr. Aisha Mohammed, for the smooth flow that we tried for this fancy dress competition.
Last but not the least, all the teachers and the students, thank you for being the patient audience, and good wishes for the rest of our events ahead. Thank you. Thank you, Naila.